एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट दुर्ग मोहन नगर व खुर्सीपार थाने की टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए कीमत की नशीली सामग्री बरामद करने में सफलता पाई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों शिवपारा दुर्ग निवासी बबलू यादव व लक्की महार के पास से 207 पुड़िया ब्राउन शुगर तथा खुर्सीपार निवासी राकेश सिंह व प्रकाश भगत के पास से 233 नशीली टेबलेट को जब्त किया है। इसी प्रकार भिलाई भट्टी पुलिस ने बीएसपी के मेन गेट की पार्किंग तथा दुर्ग भिलाई के विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए 4 मोटरसाइकिल व 2 स्कूटी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। डीपीएस की कार्रवाई हुई है जिसमें कि 21 ग्राम ब्राउन शुगर 230 पुड़ियों में और 250 टैबलेट नाइट्रोजेपाम 10 मिलीग्राम जो है जब्त किए गए। ये दोनों एनडीपीएफ में प्रतिबंधित हैं और कमर्शियल क्वांटिटी में आते हैं। एनडीपीएफ की जो कठोर धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 को ब्राउन शुगर में, 2 को नाइट्रोजेपाम केस में। निश्चित रूप से दुर्ग क्षेत्र में भी काफ़ी नशे का कारोबार चल रहा है, आपूर्ति मजबूत किया जा रहा है। अभी हमने एंड कस्टमर्स पे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पे छापा मारा है और हमारी कोशिश होगी जो छोटे मंझले और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं जो इस नशा को लेके आ रहे हैं और बेच रहे हैं उन पे भी हम कार्रवाई करें। सर कहाँ से लेके आते हो, कुछ जानकारी निकल के सामने? निश्चित रूप से बड़ा इनका जो है ग्रुप है जो कि महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ चारों तरफ से विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ है तो काफ़ी जगह से इनके तार जुड़े हुए हैं। अभी जाँच की जा रही है, आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। स्वीकार कर रही है कि नशीली दवाई और यहाँ पे चल रही है, इसकी रोकथाम क्या है? रोकथाम दो तरह से है, एक तो डिमांड रिडक्शन है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, जो पीड़ित लोग हैं जिनको आदत पड़ गई है उनको हम डीएडिक्शन सेंटर्स पर डालें, और दूसरा जो कारोबारी है उन पर कार्रवाई करें। दोनों तरफ से कुल्फी कार्रवाई चल रही है। एसपी साहब, ब्राउन शुगर जो है पिछले 7-8 वर्षों से दुर्ग जिले में इसका कारोबार संचालित हो रहा है, जो भी एसपी आते हैं उनका ये कहना है कि हम जल्द जो है नेटवर्क तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अब तक इसमें जरूरत है कि जो समाज के जो जिनके बच्चे इसमें नशे में फंस गए हैं वो भी आए, हमें सूचना दें, यहाँ पे बिक रहे हैं, जनता से भी हम कॉपरेशन की उम्मीद रखते हैं, हमें भरोसा है कि आने वाले समय में इसमें हम कार्रवाई कर पाएंगे। सर भाई ये है कि जो आप ब्राउन शुगर पकड़ते हैं और जब उसकी टेस्टिंग की चोरी लगातार जिले में डेली एक दो चोरियाँ होती रहती हैं, तो चोरियों पर हमने उसका डेटाबेस बनाया है और हमने रेड करके अभी 6 बाइक जो है रिकवर किया है और 3-5 लोगों को गिरफ्तार, 4 लोगों की गिरफ्तारी हमने की है। लगातार अभी हमें कोशिश होगी कि इनके नंबर पर डेटाबेस बना के टॉल में और बाकी जगह भी दिया जाए और वहाँ मैच किया जाए, वो गाड़ी कभी पार होती है तो हमें सूचना दी जाए, तो कहीं ना कहीं बाकी टॉल से और बाकी सीसीटीवी से भी करके कोशिश करेंगे कि और बाइक रिकवर हो। मोटरसाइकिल चोरी करते वो ये 40,000 की मोटरसाइकिल खरीद के 70,000 10,000 15,000 में बेच दिया करते थे, तो गलाने की बात नहीं, मोटरसाइकिल में गलाने से कोई पैसा मिलेगा नहीं। जनरली मोटरसाइकिल जब भी चोरी होती है वो रीसेल होती है, 10 की मोटरसाइकिल की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, 10 से 15,000 में बिक जाती है, तो तुरंत इसको बेच दिया करते। ठीक है।